सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम पढ़ रहे हैं ज़नों का बेसिक कोर्स, या तो कहना चाहिए स्पिरिचुअलिज्म का बेसिक कोर्स। मुझे और क्लियर होते जा रहा है जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं जनोगा के ऊपर, कि कोई भी टाइप का स्पिरिचुअल प्रोग्राम अटेंड करने से पहले अगर कोई इंसान जनोगा बेसिक कोर्स कर ले तो उस प्रोग्राम की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। अब मैं रिसेंटली एक सज्जन से मेरी जान पहचान है, तो वो बता रहे थे कि अब वो 6 महीने के साइलेंस के लिए जा रहे हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं साइलेंस के लिए? बिकॉज उनको पता है, इस चीज़ की वैल्यू पता है, वो किस चीज़ में जा रहे हैं, साइलेंस की वैल्यू पता है। तो जब भी कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम में जाता है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं किस चीज़ क्या ले रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसकी कीमत क्या हो सकती है, तब आप और भी कॉन्शियसली जा सकते हैं। बिकॉज मैंने देखा है, जब मैं भी खुद पहली बार गया था किसी प्रोग्राम में तो मेरे बहुत छोटे एजेंडा थे। मैं चाहता था एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ या कुछ पैसे रुपए कमा लूँ। छोटे छोटे रीजंस होते हैं हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम को अटेंड करने के, बट देन इट लूजेस। आपके हाथ में एक जादुई चिराग था और आपने उस चिराग से केवल दिया जलाया, बस आप बहुत कुछ कर सकते थे। तो जनोगा बेसिक कोर्स में हम शेयर करेंगे आपसे कि माइंड क्या है, स्पिरिचुअलिज्म क्या है, इन लोगों का इंटरेक्शन कैसे होता है थ्रू आवर बुक जेन योगा। ऑथर्स नोट पढ़ते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। खलील जिब्रान के बारे में कहा जाता है कि वो एनलाइटेंड होने वाले थे। ये कौन बोलता है? ओशो। ओशो ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, 100 बुक्स आई लव्ड। तो उसमें उन्होंने जब लोगों के बारे में कहा है ना, तो वो सब डिवाइड करते हैं, ये अभी एनलाइटेंड हो गया है, ये राइटर एनलाइटेंड नहीं हुआ है, ये होने वाला है, अंदाज़ा लगता होगा उनको क्लैरिटी के ऊपर। तो खलील जिब्रान नोबल प्राइज विनर पोएट थे, तो उनकी एक पोएम का पार्ट है इसमें। एंड व्हाट वाज टू माय सरप्राइज, ही बिकेम एंग्री विथ मी बिकॉज ही हैड बिजनेस मिसलेड मी। खलील जिब्रान की बहुत अच्छी पोएम्स हैं, आप सुनेंगे ना तो। और जब वो पोएम्स इतनी डेप्थ में हैं तो कहाँ से आया होगा? उनकी ऑब्जर्वेशन से आया होगा, कुछ समझ में आया होगा जब उनको इन्होंने लिखा होगा इस चीज़ को। वो कह रहे हैं कि, और मुझे कितना अजीब लगता है बताओ, मैं अपने बिलवर्ड को कंप्लेन कर रहा हूँ कि तुम लेट क्यों आए, और जबकि मैंने उसको भटकाया था। जैसे कोई आशिक या कोई लड़की प्रेमिका, किसी लड़के लड़का उसको पूछे कि तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, तो उसको गलत एड्रेस बताए ताकि देरी से पहुँचे वो, और जब वो देरी से पहुँचता है उसका बॉयफ्रेंड, तो उसे कंप्लेन करे कि देरी से क्यों आए। हमारी भी हालत तकरीबन ऐसी ही है, हम जाना चाहते हैं ईश्वर के पास, हम कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन उस ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी ही अपनी मिस्टेक है उसमें कंप्लेन करने में। अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने स्पिरिचुअल एंड पे, अपने ईश्वर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसमें कोई ईश्वर की गलती नहीं है, हम ही ने भटका रखा है अपने आप को। ये जो जेन योगा है, इट इज रिटन इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में लिखी गई है। Part 1 contains practical methods. आज एक हमारे फ्रेंड हैं, वो जनों का बेसिक कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझसे पूछ रहे थे क्या इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि नहीं, बिकॉज ओशो को और कृष्णमूर्ति को और बाकी ऑथर्स को पढ़ पढ़ के वो बेचारे बोलते हैं सब जगह यही बताते रहते हैं ट्रूथ क्या है, लेकिन कैसे पाना है बहुत कम लोग बात करते हैं, और अगर बात करते भी हैं तो इतने ऊपर ऊपर से कि मालूम नहीं पड़ता है कि कौन से प्रैक्टिस को कितनी डीपली करना है। तो पहला वाला जो बुक है जो हम लोग कवर कर रहे हैं अभी, इसमें ज़्यादातर सब कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स ही हैं, फार्मूलाज रिटन हैं जो कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में हैं, जो कि कोई भी आदमी समझ सकता है उसको इंग्लिश आती हो तो, और अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम लोग उनको हेल्प करेंगे उसको हिंदी में समझने के लिए। सम ऑफ द चैप्टर्स आर फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम सब योग के लिए तो एब्सोल्यूट बिगनर्स ही हैं, और मान के चलें अगर कितना भी हम लोग पढ़ा लिखे हैं, अगर हम अपने आप को एब्सोल्यूट बिगनर्स माने तो बहुत हेल्पफुल होगा। सो एडवांस्ड रीडर्स काइंडली बेयर विथ मी, तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी बहुत एडवांस्ड रीडर है तो प्लीज़ मुझे बर्दाश्त करिए।
द प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स आर नॉट द बेसिक कॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस बट दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स जस्ट एज द हस्बैंड्स मैन प्रिपेयर्स हिज ग्राउंड फॉर सोइंग. इस एक सेंटेंस में सहर जी ने कृष्णमूर्ति के सामने सब कुछ क्लियर कर दिया कि मैं और कृष्णमूर्ति एक ही बात बोल रहे हैं. कृष्णमूर्ति बोलते थे ना, प्रैक्टिसेस से नहीं मिलता ट्रूथ. लेकिन फिर भी कृष्णमूर्ति भी बहुत सटल हिंट करते थे कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए. लोग नहीं पकड़ पाते थे उस हिंट को. सहर जी साफ साफ बोल रहे हैं, जो भी प्रैक्टिसेस करेंगे उससे आपका कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ेगा, लेकिन उससे जमीन तैयार होगी जिसमें कॉन्शियसनेस बढ़ता है. एक पेड़ सोचिए, पेड़ और उसकी परछाई. पेड़ की परछाई का कारण कौन होता है? पेड़ नहीं. पेड़ तो रात को भी होता है, लेकिन रात को परछाई नहीं होती. रात को सब कुछ परछाई होती, सब कुछ काला काला ही होता है. दिन में परछाई होती है. तो कौन कारण हुआ? लाइट, सूरज. तो ऐसे ही हमारे अंदर में अगर कोई कॉन्शियसनेस है तो उस कॉन्शियसनेस को ढकने वाला कोई ऐसी चीज है जिसको खत्म करने में हमको ये प्रैक्टिसेस हेल्प करेंगी. हस्बैंड्स मैन मतलब जो जैसे किसान काम करता है ना जमीन पे, वैसे ही एक तरह से हम जोताई का काम कर रहे हैं अपने अंदर में. सम आइडियाज में अपियर कॉन्ट्राडिक्टरी, कुछ आइडियाज लगेंगे कि उल्टे ही हैं. बिकॉज बहुत से लोग जिनको मैंने कृष्णमूर्ति पढ़ते हुए सुना है, बहुत से लोग कृष्णमूर्ति के रीडर्स हमारे वेबसाइट पे आते हैं, दीप चैनल पे आते हैं, और वो बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कृष्णमूर्ति ये बोलते थे, कभी उन्होंने प्रैक्टिस की बात नहीं कही, इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ बातें आपको उल्टी लगेंगी. नॉट दैट आई एम ऑफ टू माइंड्स, लेकिन उनको जब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं कन्फ्यूज हूँ. बट आई इनकरेज टू द रीडर्स नॉट टू एक्सेप्ट वॉट इज रिटन बट टू सिट बैक एंड थिंक. लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी पढ़ रहा है सीरियसली रीडर्स हैं, वो सिट बैक, थोड़ा सा रुकें और एक बार ध्यान से फिर से पढ़ें कि क्यों लिखी गई हैं. वेन एवर देर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, जब भी आपको लगे कि कन्फ्यूजन है, मेरी बातों में उलटबाजी है, अ सेकेंड रीडिंग विल डिस्टिंक्टिवली रिवील द एक्सप्लेनेशन. अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको उस जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है वो समझ में आ जाएगा. पार्ट वन में क्या है? गाइडेंस एंड प्रैक्टिसेस आर रिकमेंडेड फॉर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स एंड ब्रीदिंग. मोस्टली ये चारों के बारे में डिटेल में समझाया गया है. खाना, सोना, सेक्स और ब्रीदिंग के साथ कौन कौन से प्रैक्टिसेस हमको करने हैं. दिस इज नॉट डन विद अ व्यू टू प्रेजेंट एनी न्यू थियोरी. ये बोल रहे हैं कि मैं नई थ्योरी नहीं बता रहा हूँ कि मैं ही सच जानता हूँ, ऐसे ही तुम्हें खाना चाहिए, ऐसे ही सोना चाहिए, ऐसा नहीं है. ऑल दैट इज स्टेटेड इन दिस रिगार्ड हैज बीन ट्राइड ओवर अ लॉन्ग पीरियड. जो भी चीज़ें सहर जी यहाँ बता रहे हैं, बोलते हैं इसको बहुत समय तक प्रैक्टिस किया गया है, ट्राई किया गया है ऑन मेनी पर्सन्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्स एंड एज, एंड इन ईच केस विदाउट एक्सेप्शन द रिजल्ट हैव बीन स्पेसिफिकली गुड. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ साइंटिस्ट की तरह इसको करें. बोल रहे बहुत लोगों के अलग अलग सेक्स, अलग अलग उम्र के लोगों पर इसको ट्राई किया गया है और रिजल्ट हमेशा एक ही रहा है, बहुत अच्छा. जैसे दवाई की टेस्टिंग होती है, ऐसे ही योग की, इन प्रैक्टिकल मेथड्स की टेस्टिंग सहर जी ने खुद की है बहुत से लोगों के साथ. तो अगर आपको इस किताब को गलत साबित करना है तो पहले उन प्रैक्टिसेस को करके तब गलत साबित करें. और जो एडवांस्ड रीडर्स होंगे, बुक टू में जब हम पहुंचेंगे, बुक टू इज रिटन फॉर अ मेटाफिजिकल व्यू पॉइंट एंड टू शो द अंडरलाइंग बेसिस ऑन विच द रिकमेंडेड एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिसेस हैव बीन बिल्ट. हो सकता है बहुत बार बुक वन पढ़ने के बाद भी हम प्रैक्टिसेस ना करें. बहुत बार ऐसा होता है, और इनफैक्ट हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम किसी गुरु के पास जाते हैं, गुरु कुछ बताता है तो हम उसको कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं. वो क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि वो प्रैक्टिसेस के पीछे राज क्या है. अभी मैं आज पढ़ रहा था कि कुछ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा नियम बनाया है कि जिन बच्चों को वैक्सीनेशन देने से उनके पेरेंट्स मना करते हैं, गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन लेगी, लीगल एक्शन लेगी. इट्स अ गुड थिंग. उनको पता है, वैल्यू पता है गवर्नमेंट को कि वैक्सीन का कितना इंपॉर्टेंट है. वैक्सीन देने से बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है दुनिया से. तो आपको जब पता चलेगा सेकेंड बुक से, अगर आप फर्स्ट बुक को पढ़ने के बाद आपको इन प्रैक्टिसेस की वैल्यू नहीं मालूम पड़ती है, तो सेकेंड बुक को पढ़ के, इसके बुक टू पार्ट पढ़ के आपको उनकी वैल्यू मालूम पड़ जाएगी. एज वेल एज टू प्रोवाइड फर्दर प्रैक्टिसेस ऑफ एन एडवांस्ड नेचर. और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी बताई गई हैं जो बहुत ही एडवांस्ड नेचर की हैं, बहुत बारीक प्रैक्टिसेस बताई गई हैं जिनोगा में, जिनो बुक टू में. इसके लास्ट में केपलर बहुत पुराने एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, उनकी
एक कोटेशन लिखा है सहर जी ने, और जब मैंने इसको पढ़ा था मुझे लगा था मेरे लिए लिखा है उन्होंने। कह रहे हैं, इफ यू फॉरगिव मी, अगर तुम मुझे माफ कर सको, आई रिजॉइस, मैं तो खुश हो जाऊंगा अगर आप मुझे माफ कर दें तो। इफ यू आर एंग्री, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो ये सब बताने की वजह से, आई कैन बेयर इट, कोई दिक्कत नहीं, बर्दाश्त कर लूंगा तुम्हारा गुस्सा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ूंगा। द डाई इज कास्ट, द बुक इज रिटन, जैसी बुक आप चाहते थे, जिस तरह की कोई बुक चाहता था स्पिरिचुअल बुक दुनिया से आपको आजाद करने के लिए, वो लिखी जा चुकी है। डाई इज कास्ट मतलब फाइनल काम हो चुका है। इट मे वेल वेट अ सेंचुरी फॉर अ रीडर एज गॉड हैज वेटेड 6,000 ईयर्स फॉर एन ऑब्जर्वर। जैसे क्रिश्चियंस में कहते हैं ना, 6,000 साल लग गए भगवान को दुनिया बनाने में और इंसान को बनाने में, जैसे भगवान ने 6,000 साल तक वेट करने के बाद इंसान को बनाया, ऐसे ही किताब एक समझदार रीडर का वेट कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बुक की गलती नहीं है, फिर से पढ़ें। ये था ऑथर्स नोट। जनोगा बेसिक कोर्स में सबसे पहले अगर किसी ने इंट्रोडक्शन छोड़ दिया, यूजुअली मैं करता था स्कूल में जब था तो मैं इंट्रोडक्शन छोड़ दिया करता था, कौन पढ़े, और फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते थे स्कूल में, तो फर्स्ट चैप्टर नहीं सिखाया जाता है, फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, तो इंट्रोडक्शन छोड़ दिया करते थे। लेकिन अब मुझे मालूम है कि जिस बंदे ने लिखा है उसने हर शब्द को लिखा है, इसलिए बिकॉज उसके लिए वो हर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक कोर्स में अगर किसी ने इंट्रोडक्शन छोड़ दिया तो आगे पढ़ने का क्या फायदा। इंट्रोडक्शन, द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस, मैंने कहा ना जनोगा बेसिक कोर्स इज बेसिक कोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अगर किसी को जानना है कि स्पिरिचुअलिटी क्यों है तो उसका आंसर इसमें है। पहले पैराग्राफ में सहर जी बता रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी का पर्पस क्या है। इतनी क्लियरली किसी ने स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन नहीं किया है, सब कविताओं में और प्रोज में बताते रहते हैं। With help of basic practices explained in the following pages, one can attain within few years a stage of development for which mankind would need an illimitably long period spread over countless incarnation. जो practices इस किताब में बताए गए हैं उसको करने से कोई भी इंसान कुछ ही सालों में वो development हासिल कर सकता है, उस height को हासिल कर सकता है जिसको इंसान, normal इंसान हासिल करेगा बहुत 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 सालों में। Incarnations on a slow spiral of evolution. इनके हिसाब से पूरा ब्रह्मांड एक बहुत स्लो स्पायरल ऑफ एवोल्यूशन में चल रहा है, डार्कनेस से लाइट की तरफ पूरा ब्रह्मांड चल रहा है बहुत धीमी धीमी, अरबों खरबों जन्म लेंगे शायद उसको। लेकिन अगर आप उससे पहले चाहें, ये बुक थ्री में बताऊंगा मैं आपको कि ये किस तरह से हो रहा है, उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ये पूरे ब्रह्मांड का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। इसी को जानने के बाद उपनिषद में जो प्रार्थना लिखी गई थी ना, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गए, कि मुझे असत्य से सत्य की तरफ जब जा ही रहे हैं तो मुझे जल्दी जाने दो। ये तो जो बाकी लोग बहुत सालों बहुत करोड़ों जन्मों में करेंगे, आप कुछ ही सालों में कर सकते हैं। द साइंस ऑफ दीज सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस वी कॉल जनोगा। इन सिस्टमेटिक, ये तुक्के वाला नहीं है कि एक भक्ति कर रहा है उसको जल्दी भगवान मिल गए, दूसरे का भक्ति की इंटेंसिटी नहीं इसलिए भगवान लेट से मिलेंगे, ना, एकदम सिस्टमेटिक साइंस है ये। साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस है, मन के प्रैक्टिसेस है जो आप करेंगे, इन्हीं प्रैक्टिसेस का नाम है जेनोगा। जेनोगा का एम क्या है? द डोमिनेटिंग एम ऑफ जेनोगा इज कॉन्सेंट्रेटिंग माइंड थ्रू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाफिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स। हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी मतलब उसके अंदर का खून का बहाव, उसके न्यूरॉन्स के अंदर में बिजली का बहाव, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। इसी के वजह से जो भी माइंड में बहाव होते हैं थॉट्स के, इमोशंस के, उसको बोलते हैं मेटाफिजियोलॉजी, साइकोलॉजिकल। तो आपके माइंड के स्ट्रक्चर्स को समझ करके उसको एक कॉन्सेंट्रेट कर पाना, यही मेन एम है जनोगा का। पूरी किताब हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कर सकें। शुरू करने के लिए कुछ चीजें लगेंगी, आपको उल्टी लगेंगी बिकॉज हमने पहले कभी इसको ऐसे समझा नहीं। टू स्टार्ट विथ, वी मे कंसिडर द माइंड एज अ फंक्शनल सिस्टम ऑफ एक्सट्रीमली सटल वाइब्रेशंस कॉल्ड रोटेशंस। कह रहे हैं माइंड को आप अपने ऐसा मान के चलिए कि आपके ब्रेन के चारों तरफ, आपके ऊपर सर के चारों तरफ या आपके बॉडी के चारों तरफ
माइंड नाम का एक वाइब्रेशन है, बहुत सटल वाइब्रेशन या तो रोटेशन। रोटेशन इसलिए भी समझ सकते हैं बिकॉज हमको एक थॉट आता है, वही थॉट दोबारा आता है, वही थॉट दोबारा आता है, तो रोटेशन में आता होगा। इमोशंस भी बार बार आते हैं तो रोटेशन में आते होंगे। तो अपने दिमाग को एक तरह का वाइब्रेशन मान के चलिए। विच फॉर कन्वीनियंस वी डिवाइड इन फोर सेक्शंस। ये अलग डिवाइडेड तो नहीं है लेकिन हम समझने के लिए फोर सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने धरती के द्वीपों को, महाद्वीपों को डिवाइड किया है, ठीक वैसे ही जैसे हमने अपने ब्रह्मांड को डिवाइड किया है, हमने गैलेक्सी, मिल्की वे, सोलर सिस्टम, पता नहीं कैसे कैसे डिवाइड किया, लेकिन डिवाइडेड है थोड़ी, हम अपने समझ के लिए डिवाइड करते हैं। हमने 5 महासागर, 7 महासागर बना दिए हैं लेकिन वो डिवाइडेड हैं कहाँ, सब तो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो जैसे हम समझने के लिए दुनिया को डिवाइड किया है, ऐसे ही समझने के लिए अपने मन को 4 पार्ट्स में जनोगा डिवाइड करता है। सबसे पहले सेक्शन 1 इज द पार्ट नियरेस्ट अलाइड टू द एनाटॉमिकल ब्रेन ऑफ सेक्शन, एंड सेक्शन 4 वी लुक अपॉन एज द नियरेस्ट अलाइड टू द सोल। बहुत अच्छे इंग्लिश यूज की है। बोले सेक्शन 1 पहला पार्ट हमारा सर के पास सबसे नजदीक जुड़ा हुआ, अलाइड, चिपका हुआ है किस चीज से, हमारे ब्रेन से। जरा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो गुस्सा आता है, तो जो गुस्सा है वो सेक्शन 1 का पार्ट है। और जो सेक्शन 4 है हम उसको लुक अपॉन करते हैं, हम मानते हैं, वो किस चीज का हिस्सा है इनके हिसाब से, क्योंकि आत्मा को तो कोई जानता भी नहीं है, तो बोले हम मानते हैं कि वो आत्मा का पार्ट है। और इसके बीच में बिटवीन सेक्शन 1 जिसको हिंदी में चित्त बोलते हैं एंड सेक्शन 4 जिसको हिंदी में आत्मन बोलते हैं, वी हैव सेक्शन 3 जिसका मेन काम क्या है, गवर्निंग द रियल्म ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जो भी सपने की दुनिया है अगर उसमें हम कंट्रोल हासिल कर पाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारा सेक्शन 3 डेवलप हो रहा है। और सेक्शन 2 भी है, और जो सेक्शन 2 है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेक्शन 2 हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेक्शन 2A एंड 2B, यही एक सेक्शन है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है और खास पर्पज से। जो 2A है, बहुत मुश्किल नहीं है नाम, 2A याद रखिए, वो हमारे बॉडी का, इट इज क्लोजली अलाइड टू बॉडीज रादर ब्रेन्स रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसको डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ये खास तरह का मशीन है जिसके जरिए हम जगे रहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और RAS फॉर शॉर्ट, जो कि सिचुएटेड है एक कोन शेप्ड मेज में, एक गुच्छा है नर्व्स का मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में अगर चोट लग जाती है तो आदमी की मौत बहुत जल्दी हो जाती है, होश खत्म हो जाता है। ये जो सेक्शन 2A है इसका मेन काम क्या है, इट इंटरसेप्ट्स, रोकता है ट्रैफिक पुलिस की तरह, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द फिजिकल बॉडी बिफोर सच इम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंटर्स थैलेमस फॉर द फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डिसीजन मेकिंग रीजन ऑफ कॉर्टेक्स। सारी जो भी इंफॉर्मेशन आया, आवाज आई, हमने खाना खाया, हमने कुछ महसूस किया, वो सारा इंफॉर्मेशन बॉडी के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, पीछे रीढ़ की हड्डी में जाता है, वहां से हमारे ऊपर जाता है ब्रेन में। लेकिन ब्रेन में जाने से पहले सब सबको जाना पड़ता है एक, वो मान के चले जैसे टोल नाका नहीं होता, जैसे हमारे छोटे वाले भाई का जो प्लांट है वो बहुत हाई सेफ्टी जोन में प्लांट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या आपको संसद भवन जाना हो तो सब बाहर वो लगा हुआ है, गेट लगे हुए हैं जिसपे सिपाही खड़े हैं, तो अगर मैं भी जाता हूँ तो वो चेक करते हैं मेरे पेपर्स। ऐसे ही यहाँ पर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के थ्रू जाना पड़ता है सारे इंपल्स को, कोई भी इंफॉर्मेशन जाती हो। उसके बाद हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि वो कौन सा इंफॉर्मेशन ऊपर भेजेगा, कौन जरूरी लोग हैं, VIP हैं जिनको ऊपर जाना है, कौन गैर जरूरी हैं जिनको नहीं भेजना है, किनको हम निपट सकते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो संसद भवन मिलने जाते हैं, पुलिस से सिपाही बोलते हैं जाओ उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। तो किसको डिसीजन मेकिंग एरिया में भेजना है, ब्रेन के पास, कॉर्टेक्स में, बिकॉज कॉर्टेक्स मेन सेंटर है हमारे ब्रेन का जो सोचता है, बड़े बड़े काम करता है। इट इज देयरफॉर इन अ पोजीशन टू मॉडिफाई टोन डाउन और एसेंचुएट टोन अप द डिफरेंट मैसेज इंपल्सेस एज इट चूजेस टू। इसीलिए रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम के पास एक बहुत खास तरह की पावर है, वो किसी भी आवाज को हमको बढ़ा के भी सुना सकता है। जैसे अभी पीछे आवाज चल रही, जनरेटर की आवाज आ रही है, हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, लेकिन अगर यहां कहीं अजीब सी आवाज आए, रोने की आवाज किसी की आए हल्की सी भी, तो हमको ज्यादा सुनाई देगी, कान में नहीं सुनाई देगी लेकिन हमको मन में पता चल जाएगा और हमारा अवेयरनेस उस तरफ चला जाएगा। तो किसी भी मैसेज इंपल्स को
वो टोन अप कर सकता है या टोन डाउन कर सकता है, धीमा भी कर सकता है. इट कैन बिकॉज इट हैज प्रोफ्यूज न्यूरल कनेक्शन विद हाइपोथैलेमस चैनल रिपोर्ट्स ऑफ बॉडली डिसऑर्डर्स लाइक इंडाइजेशन टूथएक एटसेट्रा डायरेक्टली टू द लेटर विदाउट कंसल्टिंग द कॉन्शियस माइंड. और उसको ये पूरी ताकत दी गई है, पूरा परमिशन दिया गया है कि वो चाहे तो बॉडी के दर्द, जो भी बीमारियां हैं, वो थैलेमस को ही भेज दे उसको ठीक करने के लिए, बजाय ऊपर भेजने के. सारे अनकॉन्शियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे डाइजेशन, ब्रीदिंग, इम्यूनिटी, हमारी बॉडी 24 घंटे बीमारियों से लड़ रही, पता है आपको, 24 घंटे. तो ये सारे के सारे काम, खाना जो हम खाते हैं उसका डाइजेशन, ये सारे के सारे काम कैसे होता है, इसी की वजह से होता है. फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ सेक्शन 2A. दस वी आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्स्टेंट कॉम्प्लिकेटेड गाइडिंग ऑफ द वर्क ऑफ डाइजेशन इन आर बेली अनलेस एंड अनटिल समथिंग गोज रॉन्ग. आपका पेट आराम से अपने आप को पचा लेगा खाना, या हो सकता है उसको जरूरत हो आपके हेल्प की तो कहेगा प्लीज अभी मत खाओ, इसके ऊपर ध्यान दो, रेस्ट दो अपने पेट को. या आपको खांसी हो रही है तो बॉडी बोलेगा हाँ ठंडा पानी पी सकते थे लेकिन अभी मत पियो, कुछ दिन के लिए मत पियो. या कहीं पैर में चोट लगी है तो बॉडी कहेगा अभी मुझे वहां पर काम करना है, उसको ज्यादा यूज मत करो पैर को. डिपेंडिंग अपॉन, अगर उसको आपकी कॉन्शियस माइंड की जरूरत है तो तभी बताएगा, अदरवाइज आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपकी पूरी बॉडी 24 घंटे काम कर रही है. देन वी बिकम अवेयर ऑफ द एफर्ट इन्वॉल्व बिकॉज वी बिकम कॉन्शियस ऑफ इट. दिस बिकमिंग कॉन्शियस इफ ऑफ इट वी कॉल बेली एक. तो हमारी बॉडी में एक्चुअली जो भी बॉडी है ना उसका हमको एहसास नहीं होता 24 घंटे. एहसास कब होता है, जब उसका दर्द होता है तब हमको मालूम पड़ता है कि हमारे पास बॉडी है. पेशेंट्स आते हैं बताते हैं उनको यहाँ पीछे दर्द है, तब हमको मालूम पड़ता है कि इसको किडनी का एहसास हो रहा है. विदाउट सबसेक्शन ए, अगर हमारे पास सबसेक्शन ए नहीं होता तो हमारी पूरी जिंदगी वुड हैव बीन लॉन्ग स्टमक एंड बेली एक. हम केवल एक दर्द होते, बस हमारा हाथ दर्द होता, हमारा पैर दर्द होता, हमारा सब कुछ बॉडी दर्द ही दर्द होता अगर हमारे ब्रेन में सेक्शन 2A नहीं होता सारे काम करने के लिए. सब कुछ हमको कॉन्शियसली करना पड़ता. सोचिए कितनी मेहनत होती, जैसे पैर से पैदल चलते हैं ना यहाँ से लेकर के 4-5 किलोमीटर थक जाते हैं, ऐसे खाना खाते तो खाना खाने से भी डरते हैं हम लोग. यहाँ से लेकर यहाँ तक खाना पहुँचाने में हम लोगों की नानी आज ही याद आ जाती है, और दिन भर में नहीं महीने में एक आध बार खाना खाते शायद, या सांस लेने में दिक्कत हो जाती क्योंकि उसी में दर्द होता. थैंक गॉड वी हैव सेक्शन 2A जो कि अपने आप बिना हमारे कॉन्शियस एफर्ट के सब कुछ मैनेज करता है. अब जो आगे हम बात करेंगे, हो सकता है आपको विश्वास ना हो सकता है आपको लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है आपको लगे तुक्का है, हो सकता है आपको लगे गप है, थियरी है, इसको झुटलाने से पहले प्रैक्टिस करना होगा. सेक्शन 2B जो हमारा सेकेंड सेक्शन 2B है, इज द पार्ट ऑफ द माइंड विच एनेबल्स अस टू कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट, रिसीव इंट्यूशन फ्रॉम ऑन हाई. ये जब मैंने पैराग्राफ पढ़ा था उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था, थैंक गॉड आशीष भाई 6 साल 7 साल 8 साल हो गए ऐसे आंख बंद करके ओम ओम करते थे और सोचते थे विपसना मेडिटेशन कर रहे हैं. मुझसे बोल रहा था बच्चा, सर आप विपसना मेडिटेशन करेंगे तो दोबारा कभी मेडिटेशन नहीं करेंगे. मैंने कहा भाई मैं बहुत मेडिटेशन कर चुका हूँ, मेडिटेशन मेडिटेशन इतनी बार बोलता था कि जब कोई मुझसे बात करता था तो मेडिटेशन सबसे पहले मैं बोलता था. फैशन हो गया है मेडिटेशन करना. यू नो आई हैव टू गो फॉर माई मेडिटेशन क्लासेस इन द मॉर्निंग इवनिंग, यू शुड डू 1 आवर मेडिटेशन. बट कृष्णमूर्ति इसीलिए बोलते थे व्हेन द मेडिटेटर एंड्स द मेडिटेशन बिगिंस. जब मैंने पढ़ा तो मैंने डिसाइड कर लिया मेडिटेशन अभी तुम्हारा काम नहीं है आशीष, अभी कुछ और करना है, जब ये रेडी हो जाएगा तब मेडिटेशन. ये सेक्शन 2B जब तक डेवलप नहीं होता, यही जब डेवलप होता है तब जाकर के आप कॉन्सेंट्रेशन, धारणा, मेडिटेशन, ध्यान और इंट्यूशन, पूर्वाभास, जो भी आभास करना है भविष्य को, पास्ट को, वो पॉसिबल हो सकता है ऑन हाई, ऊपर से, हायर डायमेंशन से. अब एक खास चीज बता रहे हैं, ये बहुत लॉजिकल है, इसको भी बहुत कभी कोई मास्टर ने डिस्क्राइब नहीं किया. लोग पूछते थे, लोग बता भी नहीं पाते थे, बस बोलते थे बस भरोसा रखो भरोसा रखो. द
इनफैक्ट इट इज द सेक्शन 2A B इज सो अटरली डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 1 जो हमारा नॉर्मल माइंड है. सेक्शन 1 जो हमारा चित्त है, माइंड है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2A इससे इतना अलग है सेक्शन 2B. इट इज सो अटरली डिफरेंट दैट वी आर जस्टिफाइड इन सेइंग दैट बिटवीन सेक्शन 1, सेक्शन 2A एंड सेक्शन 4, 3 एंड 2B दो अलग अलग ग्रुप में हमारे ब्रेन में अलग अलग टाइप के ही सेक्शंस हैं. इसलिए हमको भरोसा ही नहीं हो सकता होता कि हमारे पास दूसरा टाइप भी है. हाँ, बस कभी कभार किसी को देखते हैं तो लगता है शायद हो, उसमें भी हमको लगता है उनके पास है, हमारे पास नहीं. सेक्शन 3, 4 मेरे को लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने आंख बंद करके बता दिया है फला फला जगह जाओगे तुम्हें वो आदमी मिल जाएगा, और वो मिला. उन्होंने शर्ट पैंट भी बता दी थी कि आप पहनेगा आज से दो दिन बाद. वो किससे पॉसिबल है? सेक्शन 3 से. और साइंटिस्ट्स हैं भाई जिन्होंने डिस्कवरीज की हैं ढेर सारी, वो सेक्शन 3 से होता है. तो एक तरफ सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 2B इकट्ठे हो गए, और दूसरी तरफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2B जो हमारे बॉडी का हिस्सा है. इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि हम अगर ये कहें कि इनके बीच में एक बड़ी सी गल्फ चलती है, गैप, बड़ा डिविजन, तो ये गलत नहीं होगा. दिस गल्फ रनिंग लाइक अ लिवर, ये रिवर की तरह गैप ट्रेवल करती है, इन दोनों अलग अलग सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करती है. एक तरफ साउथ अमेरिका, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, ऐसे ही बीच में बड़ा सा गल्फ है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, आमतौर पे जो हम यूज करते हैं स्कूलों में वर्ड माइंड, इसका सही सेंस में अगर आप यूज करते हैं, इट बिगन्स ओनली बियॉन्ड द गल्फ, उस तरफ. तो इस गल्फ का नाम दिया है जेनोगा में, एक खास नाम दिया है, नो मैंस लैंड, क्योंकि इस जगह पर, इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको कोई और हेल्प नहीं कर सकता, खुद ही काम करना पड़ेगा, कम से कम इसके इस कोने तक पहुंचने के लिए. स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, अगर कोई पूछता है सर हमको स्पिरिचुअलिज्म करना क्या है, कृष्णमूर्ति से अगर कोई पूछता तो उसका जवाब मैं बगल में खड़ा होकर देना चाहता हूं. स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मीन्स अकॉर्डिंग टू जेनोगा द वॉलेंट्री येट पर्पजफुल डेवलपमेंट ऑफ सेक्शन 1, अपने माइंड का, चित्त का. इसीलिए ज्यादातर गुरुज मॉरल्स की क्लासेस देते थे कि अपने नॉर्मल माइंड का पर्पजफुल डेवलपमेंट, सोच समझ के डेवलपमेंट करो. सेक्शन 2 को अभी बात नहीं करेंगे हम, सेक्शन 1 को डेवलप करो जिसमें आपका इमोशंस है, जिसमें आपका इंटेलिजेंस अभी आएगा, सो दैट यू कैन रीच टू द सेक्शन 2B एज, मतलब नो मैंस लैंड तक पहुंच सके आप. और वहां पर दैट इज द स्टेज व्हेन यू विल बी एबल टू रीच क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, जब आप सेक्शन 2B या उस इतना मैं वर्ड सेक्शन 2A B ये सब अभी भूल जाइए, तो आप खाली ये जान लीजिए कि आपको कुछ सालों तक के लिए अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को ठीक करना होगा ताकि इनके बीच में लड़ाई ना हो. ये कब तक करना होगा? जब तक आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुंचते. एक बार वहां पहुंच जाते हैं उसके बाद लाइफ इज मच ईजियर. तो जेनोगा में हमारा काम क्या है? आवर टास्क इन जेनोगा इज टू रीच क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, वहां तक पहुंचना है. ये क्लियरली किसी ने नहीं बोला आज तक कि भक्त को क्या करना है, एक योगी को क्या करना है. फ्रॉम देयर ऑन, उसके बाद स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज ऑटोमेटिक एंड एफर्टलेस, क्वाइट फ्री फ्रॉम डूज एंड डोंट्स. एक बार वहां पहुंच गए तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है, उसके बाद आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है. मैं अभी एक गुरु के बारे में पढ़ रहा था, उस बेचारे ने, बल्कि वो गुरु क्या, बुद्ध ने खुद, जितने भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं सब ने किसी न किसी के पास अपना टाइम वेस्ट किया है. गुरुज के पास वेस्ट नहीं किया अभी, वो इसीलिए बिकॉज कोई क्लियरली बताता नहीं कहाँ जाना है मुझे. बुद्ध ने इसको पहली बार क्लियरली बताया था कि तुम्हें वहाँ कहाँ तक पहुँचना है. सहर जी भी एक दूसरे साफ साफ बता रहे हैं. कल हम और पढ़ेंगे. सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज, और हम पढ़ रहे हैं जेनोगा बेसिक कोर्स, या तो कहना चाहिए स्पिरिचुअलिज्म का बेसिक कोर्स. मुझे और क्लियर होते जा रहा है जैसे